हम बात कर रहे हैं ITC की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त ITC जो है 409.55 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। हमको मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिली, लेकिन ITC में उतना बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला। बड़ी गिरावट के बाद 480 के लेवल से स्टॉक ने लिया रिजेक्शन, लगातार गिरावट दिखाई। 400 तक का फॉल, एक जंप आया 412 तक का, रिजेक्शन लिया तो गिरावट आई। गिरावट के साथ अपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप आया 416 तक का, अगेन गिरावट, तो आपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया और अब स्टॉक जो है ऊपर की ओर सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है 408 के ऊपर। हम देख सकते हैं 408 पे स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया हुआ था, अब 408 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है 412 पर। इससे पहले भी इसी लेवल से हमको गिरावट देखने के लिए मिली थी। यहाँ से स्टॉक का ट्रेंड हमको बदलते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग के बावजूद ITC में बड़ा सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए नहीं मिला। ऊपर की ओर ही स्टॉक जो है सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इससे पहले भी कहा था कि स्टॉक में बड़ी तेज़ी के लिए 424 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन होना पड़ेगा। और अब जो जैसी संभावना नज़र आ रही है कि स्टॉक 408 के लेवल को 424 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, 424 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देने के चांस बनते नज़र आ रहे, क्योंकि मार्केट में गिरावट के बावजूद ITC में हमको सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 408 इमीडिएट सपोर्ट, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 400 का लेवल तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। हमको नज़र रखना है 424 के लेवल पर, ये इसका तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। हमने इससे पहले भी कहा इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो गया तो फिर हमको ITC में 440 से लेके 480 तक के भी अगेन हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।